और दोस्तों कैसे हो? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में करेंगे हम अपने बैठक की सफाई ईद के लिए। देखो ईद के लिए सब सफाई हो रही है यहाँ पर। ये हमारी बैठक है बैठने के लिए, जो विलेज के लोग आते हैं। ये रोड है इधर नीचे, ये परली तरफ भैंस बन रही है हमारी, और थोड़ा बैठने का भी है, छोटा सा गार्डन। ये गांव के ही हैं हमारे भाई। ईद के नाम की कर रहा कैसे भाई? ये शरफ है, शरफ। भाई है जो अपने लड़का जो खेत में भी काम करता है और जन सेवा केंद्र भी चला रहा, बहुत मेहनती बच्चा है। और फ्रेंड्स ये देखो, ये चक्की है अनाज पीसने की, ये हमारे गांव में आती है। ये दूसरे गांव का ही पड़ता है, बुरा गांव का है ये लड़का। तो पता क्या, ये पहले तो मान लो जैसे किसी के भी घर पर चक्की लग गई, वहाँ जाना पड़ता था। ये गलियों में घूमता है, ट्रैक्टर के पीछे बांध रखी है या जॉइंट है ट्रैक्टर से। ये देखो अनाज को साफ करने के बाद फिर दोबारा इसका चून पीसता है। कितना रेट है इसका, मतलब के रेट के हिसाब से चल रहा है? 10 रुपए दड़ी, यानी 10 रुपीज प्रति 5 किलो। तो ये देखो ये इसमें जॉइंट है, ये ऐसे चलती है। ये सुविधा भी आई हमारे यहाँ, पहले तो थी। सोचा आप लोगों को शेयर करें। और फ्रेंड्स आज के व्लॉग में हमने दिखाया बैठक की घेर की सफाई ईद पर। और दोस्तों आप सभी को ईद की शुभकामनाएं, आप सभी को ईद मुबारक हो। इंडिया में अदर कंट्री में सभी को ईद मुबारक हो। यूट्यूब फैमिली को सभी को ईद मुबारक हो। दिल से खुश रहो, ईद मनाओ। और आज के व्लॉग में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, खुदा हाफिज़।